गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 16, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। इन दिस लेसन द टीचर टॉट द क्लास 4 स्टूडेंट हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर राइटिंग। आई होप यू गॉट इट, लेटर किस तरह लिखना है। एंड दे वर राइटिंग द लेटर टू देयर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव अ चांस टू टेक द बुक्स टू द हाउस एंड रीड, सो एंड दे विल बी रिटर्निंग इट बैक in a good condition. That was the condition given to them. Now we will try to understand this second part. We have one more part, that is no formalities please. Okay, now we will read the second part. Mrs. Desai met the principal soon after the class. She told her about the excitement that followed the announcement of new books in the library. इन द लास्ट लेक्चर यू माइट बी नोइंग दैट कि बच्चों को मिसेस देसाई ने बोला कि हम लोग लेटर लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे किताबें घर में लेके जाने के लिए, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से पढ़ सके, उसे समझ सके। तो व्हाट नाउ मिसेस देसाई, शी वेंट टू द प्रिंसिपल टू मीट, ओके, आफ्टर द क्लास शी टोल्ड हर अबाउट द एक्साइटमेंट अबाउट द बुक्स। तो उन्होंने किताबों के बारे में जो भी एक्साइटमेंट था उन्होंने डिस्कस किया जो लाइब्रेरी में नए आए थे। दे जस्ट कैन नॉट वेट टू रीड ऑल दोस लवली बुक्स, शी बीम्ड। द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो डिलाइटेड एंड प्रेस्ड हर, ओके। तो व्हाट हैपेंड, तो वो बोल बताने लगे कि बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड, द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू रीड द लवली बुक्स दैट आर इन अवर लाइब्रेरी। And the principal was also delighted to hear this and he started to praising her, okay. She beamed, मतलब beamed का मतलब है smiled with pleasure, खुशी से smile करना, delighted मतलब खुश होना, praise करना मतलब तारीफ करना। The credit goes to you, तो what the principal saying, the credit goes to you Mrs. Desai, you have created and aroused their interest in reading books. तो व्हाट द प्रिंसिपल सेड टू मिसेस देसाई, उन्होंने तारीफ की मिसेस देसाई की, बोलते आपके वजह से बच्चों में एक इंटरेस्ट आया किताबें पढ़ने के लिए, तो सारी ये जो है वो आपको जाता है, आप इज गोइंग टू हेल्प दम टू ए ग्रेट डील इन फ्यूचर, ओके, इट इज़ गोइंग टू हेल्प दम इन दम ए ग्रेट डील इन फ्यूचर। यस मैडम सेड मिसेस देसाई, बट दे फाइंड द वीकली लाइब्रेरी पीरियड टू शॉर्ट ए टाइम टू रीड। वॉट नाउ मिसेस देसाई इज टेलिंग टू द प्रिंसिपल, हाँ दे फाइंड द पीरियड टू शॉर्ट। नेचुरली हफ्ते में वन पीरियड होता है, वन पीरियड वो हाफ एन आवर करते, इन हाफ एन आवर द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच बुक दे हैड टू रीड एंड वॉट दे विल बी रीडिंग, इवन द थिंग्स विल बी नॉट कम्प्लीटेड। तो बोलते हैं बच्चे के लिए पीरियड जो है बहुत शॉर्ट एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, सो माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपील टू यू टू हेलो होम इशू ऑफ द बुक्स। बोलते इसलिए मेरे बच्चे क्या है आपसे अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किताबें घर लेके जाए और पढ़ के लेके आए। दे हैव रिटन टू यू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, बच्चों ने आपके लिए एक चिट्ठी लिखा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और द प्रिंसिपल इज सेइंग सी ए लेटर, Why? Asked the principal in surprise. Ah, तो principal पूछ रहे लेटर क्यों लिखे है उन्होंने। तो what Mrs. Desai is saying, I had to teach the class how to write a polite formal letters and I took this opportunity to make them actually write a formal letter, explained Mrs. Desai. What Mrs. Desai is saying, I wanted the students to write a formal letter. बच्चों formal letter को फॉर्मल लेटर बच्चों को लिखने को आना चाहिए, ये मैं चाहती, तो ये एक अच्छा सा मौका मिला मुझे और इसीलिए इस मौका का मैंने फ़ायदा उठा के बच्चों को बोला कि आप खुद से लेटर लिखो ताकि वो लेटर राइटिंग भी सीख सके और आपने जो बात वो आप तक पहुंचाना चाहते थे वो भी पहुंचा सके। एक्सीलेंट मिसेस देसाई, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, एंड आई शैल नॉट डैम्पन देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, आई शैल सर्टनली हेलो दम टू टेक बुक्स होम फॉर द रीडिंग। Now the principal is also very happy with that, with Mrs. Desai and with the children because they are interested in reading. तो क्या बोलते हैं, मैं बच्चों के इंटरेस्ट को ये नहीं करूँगी, ख़राब नहीं करना चाहूँगी, मैं श्योरली उनको किताबें घर में लेके जाने की चांस मौका दूँगी। The next morning the principal found the letter on her desk.
She signed the letter with the remark permission granted and sent it to the librarian. I hope you got it. Which letter? बच्चों ने letter लिखा था principal को request करते हुए कि उन्हें books library में से book लेके जाके घर में लेके जाके पढ़ने की उन्होंने permission मांगी थी. तो वो letter जो था वो उनके principal के desk में थे और उन्होंने जब देखा उसको तो उन्होंने ऐसे उसमें sign कर दिया और बोला permission granted. Means that कि वो परमिशन दे रही है बच्चों को किताबें घर लेके जाने के लिए. टू एनकरेज द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास 4 फर्दर द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द लाइब्रेरियन टू गिव द रिटन रिप्लाई टू द स्टूडेंट्स एंड हियर्स व्हाट ही कुड. इतना ही नहीं बच्चों को और एनकरेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ने बोल दिया था लाइब्रेरियन को कि उनको रिटन में फिर से बच्चों को रिप्लाई भेज दो. ओके That is what they told. मतलब आपको कोई चिट्ठी लेता है तो आप उसको रिप्लाई भी तो देते हैं ना, ताकि उनको सामने वालों को समझ में आ सके कि आपकी बात का क्या, ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजा वो सक्सेस हुआ कि नहीं, तो उसे सक्सेसफुल और नॉट. इसीलिए वो बोलते हैं कि लाइब्रेरियन को तुम भी बच्चों को इनके बदले में रिप्लाई में बच्चों के लिए बच्चों को चिट्ठी लिखो. सी वॉट द लाइब्रेरियन एज रिटर्न. ओके अभी लाइब्रेरियन ने चिट्ठी लिखा है बच्चों को. लाइब्रेरी प्रगति विद्यालय वचनपुर एंड इट इज अ डेट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4. अब ये क्लास 4 के बच्चों के लिए है. डियर चिल्ड्रन, आई एम डिलाइटेड टू नो दैट यू आर टू सो कीन ऑन रीडिंग द न्यू बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी. क्या लिख रही है बच्चों को लाइब्रेरियन, क्या लिख रहे कि मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को नए किताबें पढ़ने की चाहते काफ़ी जो अपने स्कूल लाइब्रेरी में है. द प्रिंसिपल हैज़ बीन काइंड एनफ टू ग्रांट टू योर क्लास परमिशन फॉर ओ मिशू फैसिलिटी. तो प्रिंसिपल क्या है, वो बहुत खुश है आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप घर में लेके जाके किताबें पढ़े. आई शेल कीप द लाइब्रेरी ओपन फॉर एन आवर आफ्टर द स्कूल ऑन ऑल वीक डेज. तो उन्होंने क्या बोला, मैं अपने एक घंटा स्कूल होने ख़त्म होने के बाद में एक घंटा एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ओपन रखूँगी वीक डेज में. एंड यू कैन कम एंड कलेक्ट एनी वन बुक फ्रॉम ऑफ योर चॉइस एंड रिटर्न इट फ्रॉम इन द फॉलोइंग वीक. ओके मतलब वो उस वक्त जो एक्स्ट्रा टाइम वो रखेंगे ओपन, तो उस वक्त आप लोग कोई भी बुक किताबें आपको जो पसंद है वो किताब आके चूज करके उसे लेके जा सकते हैं और उसको फिर बाद में आके रिटर्न करना है. But I must argue you to read and observe the library rules displayed in the library. तो बोल रहे मैं हम लोग ने कुछ यहाँ पे rules regulation display किया है, नहीं library के बाहर डाला है लिखा है, तो आप लोग उसे एक बार देख लो, उसे पढ़ लो और समझ लो और उसके मुताबिक आप behave कीजिए. Do come and enjoy the reading books. Sincerely yours, Mr. Vijay Patil. Librarian. Okay, this librarian has written a letter to the standard 4th students. Okay, let's see. A great news, cried the monitor. अब जब ये चिट्ठी जब बच्चों के पास आए तो बहुत खुश हो गए. The monitor of the class. आप लोगों को पता होगा कि हर क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो वो देख सुन के बहुत खुश हो गए. Look, we have received a letter from the librarian and guess what? We can take a story books home to read. अभी वॉट द मॉनिटर इज सेइंग, नाउ वी कैन टेक द बुक्स एट होम एंड रीड द बुक्स. वाओ एक्सप्लेन श्रुति विद ब्राइट राउंड आईज. गुड बाय बोर्डम, वेलकम हैप्पी हार्स, शाउटेड अक्षय. अभी बच्चे लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि बोर हो जाते हैं, तो बोलते हैं अभी बहुत मज़ा आएगा, अभी हमें बोर नहीं होगा एंड वी विल एन्जॉय रीडिंग द बुक्स. एंड दिस इज उसे अक्षय. The letter from the librarian was put up on the class notice board for all to read. The letter from the librarian was put for on the class notice board. जो letter लिखा था वो board में डाला गया सबको पढ़ने के लिए. When Mrs. Desai walked into the classroom, the students of the class 4 burst out with many exclamations of thanks. यानी जब Mrs. Desai अपने class में आई, जब उनकी English teacher class में आई, तो बच्चे बहुत खुश हो गए और बहुत सारे थैंक्स के साथ उनको वेलकम किया. शैल वी राइट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द लाइब्रेरियन, सजेस्टेड मनुजा. अभी वो पूछ रही है टीचर से क्या हम लोग लेटर ऑफ थैंक्स दे दें क्या. लाइब्रेरियन ने हमें चिट्ठी लिखी
चिट्ठी लिखा तो क्या हम उनको थैंक यू बोले क्या? तो वॉट मिसेज देसाई इज थिंक दैट्स एन एक्सलेंट आइडिया सेड मिसेज देसाई स्माइलिंग टू अर सेल्फ एट दिस न्यू इंटरेस्ट इन फॉर्मल लेडी. ना ये देख के बहुत खुशी हो गई मिसेज देसाई को क्योंकि इससे बच्चे लेटर राइटिंग भी सीखने लगे और उन्होंने ये ऐसा दिखाया कि उनको और इंटरेस्ट है लेटर राइटिंग में. तो वो फिर से पूछने लगे कि क्या हम लाइब्रेरियन को लेटर ऑफ थैंक्स भेजे क्या? इससे क्या होगा, बच्चों का राइटिंग स्किल भी बढ़ जाएगा, लेटर्स किस तरह लिखना है ये भी समझ में आएगा, एंड इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ थैंकिंग लेटर्स, तो ये भी काम हो जाएगा. दिस इज़ अ लेटर ऑफ द थैंक्स टू द चिल्ड्रन रोड टू द लाइब्रेरी. नाउ यस ए लेटर इज मेंशन थैंक्स के, बच्चों लोगों ने थैंक्स बोला है. तो ये लेटर को मैं इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा पहले के लेक्चर में बच्चे प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि किताबें लाइब्रेरी से घर में लेके जाए. उनको परमिशन मिल जाता है प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल के कहने पर लाइब्रेरियन ने उनको लेटर लिखा और यहाँ तक बात आ गए. वो खुशी से बच्चे बहुत खुश हो गए कि उनको किताबें अभी घर लेके जाने को मिलेगा एंड दे विल बी रीडिंग दैट बुक्स. और मिसेस देसाई वाज वेरी थ्रिल्ड बिकॉज बच्चे लोगों को पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा बट उससे ज़्यादा वो एक लेटर राइटिंग लिखने को भी सीख जाएंगे. ये देख के उनमें और ज़्यादा खुशी होती है बच्चों की. ये जो एंड ये दिखता है क्यूरियसिटी दिखता है कुछ करने के लिए कुछ सीखने के लिए, ये देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है. ओके थैंक यू वेरी मच. रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये जो लेटर लिखे बच्चे लिख रहे लाइब्रेरियन के लिए इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके थैंक यू.